तो ये देखो दोस्तों, फाइनल हमारे गेम में ऐड हो चुका है न्यू थ्रेसर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ गाइस, आज तो आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला मजा आने वाला है, क्योंकि यार फाइनली इस गेम में ऐड हो चुका है न्यू थ्रेसर। एंड गाइस, वही थ्रेसर मैं आपको हमारे ट्रैक्टर के पीछे अटैच करके भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन गाइस, उससे पहले यार आपने अभी तक अटेंडेंस यानी कि प्रेजेंट ही नहीं लगाई है, तो यार जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके प्रेजेंट ऐसा लिख दो, ताकि यार मुझे भी तो पता चले कि यार कितने सारे सब्सक्राइबर्स आज का वीडियो देखने के लिए प्रेजेंट है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके प्रेजेंट ऐसा लिख दीजिए। एंड गाइस, आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में और कौन कौन सी न्यू चीजें ऐड करवानी हो, ये भी आप मुझे जल्द से जल्द सबसे पहले कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि इस आने वाले न्यू अपडेट में वो सारी चीजें मैं आपके लिए इस गेम में ऐड करवा सकूं। तो गाइस, अभी बात करते हैं न्यू थ्रेसर के बारे में। तो गाइस, फाइनली इस गेम के अंदर न्यू थ्रेसर ऐड हो चुका है। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको वो थ्रेसर की कुछ फोटोज दिखा देता हूं। तो ये देखो गाइस, ये रहा हमारा न्यू थ्रेसर। तो गाइस, आप लोग देखते हैं यार, फाइनली इस ट्रैक्टर के पीछे न्यू थ्रेसर ऐड हो चुका है। एंड गाइस, आप लोग देखते हैं बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है इसका लुक जो है वो। लेकिन गाइस, यार आपके मन में एक सवाल होगा कि ये थ्रेसर हमें क्यों दिया गया है। तो गाइस, आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी कि भाई हमें इस गेम में न्यू फार्मिंग मोड चाहिए। तो दोस्तों, जब इस गेम में फार्मिंग मोड ऐड हो जाएगा, तब आपको ये थ्रेसर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों को भी इस थ्रेसर का यूज पता है, वो आप मुझे कमेंट्स में जल्द से जल्द पता देना। एंड गाइस, आप लोग देखते, मैंने हमारा जो ट्रैक्टर है उसके दोनों भी व्हील्स चेंज कर दिए। जी हां गाइस, आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में ऐसा भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, जिस ऑप्शन की मदद से आप अपने ट्रैक्टर के ऑल व्हील्स चेंज कर सकते हो। जी हां गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने ऑल व्हील्स यहाँ पे चेंज कर दिए। एंड गाइस, न्यू व्हील्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत सारे न्यू व्हील्स आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि यार मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यार पहले वाले जो व्हील्स थे वो कुछ इतने ज्यादा खास नहीं थे। लेकिन गाइस, अब जो आपको व्हील्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा तगड़े व्हील्स होने वाले हैं। एंड गाइस, सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि इस अपडेट में हमें क्या क्या मिलने वाला है और इसका न्यू अपडेट हमें कब तक मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस आने वाले न्यू अपडेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको मिलने वाला है न्यू ऑफरोड मैप। जी हाँ गाइस, क्योंकि यार आप एक ही मैप खेल के बहुत ज्यादा बोर हो चुके हो, तो गाइस आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में न्यू मैप देखने के लिए मिलने वाला है, न्यू मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स देखने के लिए मिलने वाले, और बहुत सारी न्यू चीजें आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, अभी बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, ये क्वेश्चन है कि यह अपडेट हमें कब तक मिलने वाला है, इसकी फिक्स डेट बताओ। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यू अपडेट है वो आपको 30 अप्रैल से पहले ही देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ गाइस, क्योंकि यार अभी वर्क भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, तो गाइस आपको 30 अप्रैल से पहले पहले कुछ ना कुछ अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको इस आने वाले न्यू अपडेट में और कौन कौन सी न्यू चीजें ऐड करवानी हो, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर से जरूर बता देना, क्योंकि गाइस आप जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे उतने ही ज्यादा जल्द से जल्द आपकी मनपसंद चीज आपको इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप गाइस आपको न्यू थ्रेसर एंड ये न्यू गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।